नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं समय न्यूज। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, खेल, क्राइम और आम लोगों से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिनका काम आम जनता तक जानकारी पहुंचाना होता है। वहीं लगातार पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात भी कही थी, जो कि अब तक लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण लगातार पत्रकारों को रिपोर्टिंग के दौरान फील्ड में अभद्रता झेलनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से प्रकाश में आया, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक महिला कर्मी को नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्रश्न करने पर अभद्रता झेलने को मिली है। मीडिया कर्मी द्वारा उनके विभाग के संबंध में प्रश्न करने पर उल्टा अधिकारी ने महिला मीडिया कर्मी को ही पागल कह डाला, जिसकी लिखित शिकायत महिला मीडिया कर्मी ने डोंगरगढ़ थाने में दर्ज कराई है। वहीं इस घटना के बाद से ही शहर के सभी मीडिया कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है एवं सभी ने नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के सीएमओ पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। माँ दलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मयूर हतिल के द्वारा हमें ज्ञापन कवर करने के लिए अनुभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ के लिए बुलाया गया था, तो हमने वहाँ ज्ञापन सौंपने के बाद हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ के पास गए ज्ञापन सौंपने, तो हमें कहा गया कि हम ब्राइट नहीं देंगे, माइक बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो और बाहर चले जाओ, पत्रकार तो पागल हैं, पागल कुत्ते ने काटा है। हाँ, हमने थाना में शिकायत किया, एफआईआर दर्ज कराया, तो सर ने कहा कि एफआईआर करके कार्यवाही चालू करा जाएगा। महिला पत्रकार द्वारा आवेदन दिया गया कि नगर पालिका सीएमओ ने उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार के संबंध बताई। जी, एक हमारे पास में प्रतिनिधि टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल की प्रतिनिधि थाने आई थी और उन्होंने यहाँ के सीएमओ हेमशंकर दिसहरा के खिलाफ में शिकायत किया था, जो उनके साथ में जब बाइक लेने गए थे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में हमने अभी आवेदन प्राप्त किया है, जांच करेंगे, जांच करने के बाद जैसी कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। शशांक उपाध्याय की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल समय न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।